हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है माकिर के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को, बिकॉज पूरा पिछला हफ्ता एक छोटी सी रेंज में निकाल दिया। अब आने वाला जो ये वीक है, मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो वहां पर कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, उस चीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक SME IPO की लिस्टिंग, और उसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे इरेडा IPO की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को क्या रहने वाली है, वहां पर मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, हर पॉइंट को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का FII और DII डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो FII ने 2600 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर DII ने 130 करोड़ की बाइंग करी है। FII की तरफ से फाइनली हमें एक अच्छा फिगर देखने को मिला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर हमें आने वाले दिस वीक भी एक अच्छा फिगर FIS की तरफ से देखने को मिलता है, तब हमें वहां पर श्योरिटी हो जाएगी कि FIS बैक टू बाइंग पे आ चुका है। बट अभी हमें एक दिन के फिगर से हमारा माइंडसेट जहां पर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि FIS अभी से बाइंग करने पर आ चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले IPOs की बात कर लेते हैं, तो एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग SME IPO की होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग। देखो, पर्सनली मैंने इस IPO को अप्लाई नहीं किया था, और अगर अप्लाई ही नहीं करूंगा तो मिलेगा ही नहीं। बट अगर ये IPO मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी, कि जैसा कि हर SME IPO में रहती है, कि जैसे वो लिस्ट होते हैं वहां पर मैं उन्हें इमीडिएट एग्जिट करने की सोचता हूँ, बिकॉज हमें वहां पर जल्दी सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अब कौन सा सर्किट लगना है वो मार्केट को मालूम है, उसके बारे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो वहां पर अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो बस उसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा यहाँ पर हर SME IPO में, कोई अच्छा IPO है तब भी, जब बुरा IPO है तब भी, अगर वो मेरे पास होता तो मैं उन्हें इमीडिएट एग्जिट करने का प्रोग्राम करता हूँ। ये मेरा माइंडसेट हर SME IPO के लिए सेम ही रहता है। बट आप लोगों का क्या माइंडसेट है, आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। जहां पर ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये IPO मेरे पास होता, बिकॉज काफी बार क्या होता है कि कोई IPO डिस्काउंट में खुल जाता है, बट तभी उसमें अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी IPOs के बारे में लिस्टिंग के बाद कैसे परफॉर्म करते हैं कोई भी कुछ भी सही नहीं बता सकता है, वो सारी की सारी प्रेडिक्शन होती है। और मुझे जहां पर ऐसी प्रेडिक्शन करने का कोई भी शौक नहीं है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। तो इसलिए आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके और अपने रिस्क रिवार्ड को देखते हुए ही मैनेज करके ही बनाना पड़ेगा। और यहीं पर यही मेन रीजन आ जाते हैं जिसकी वजह से SME IPO थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। एनीवे, अगर हम इरेडा IPO की बात करते हैं, पर्सनली मुझे यहाँ पर एक लोट अलॉट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, जब भी IPO लिस्ट होता है, कल को होता है या परसों को होता है, तो देखो यहाँ पर भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दो माइंडसेट होते हैं, दो पर्सन है। एक का माइंडसेट है लिस्टिंग को लेने का, जो मेरा होता है जल्दी मैं लिस्टिंग के लिए अप्लाई करता हूँ और वहां पर मुझे लिस्टिंग मिला और मैं निकल गया, मेरा काम खत्म हुआ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में जाना ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, और मैं वहीं पर ही जाता हूँ। और म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप लोग कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो इन म्यूचुअल फंड, या फिर आपको इंश्योरेंस सेगमेंट में भी कुछ भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। बट उसी के साथ साथ दूसरा हमारा माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का। अब जहां पर जो भी हमारा माइंडसेट है, अगर हमारा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है, तो हमारा तो वहां पर सिनेरियो ही खत्म हो जाता है। फिर तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने पे लिस्टिंग हो रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है, जब हमने उस चीज को छोड़ ही दिया। तो वहां पर हमें उस माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है। और जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, तो मैं वहां पर सिर्फ मेरा मोटो होता है म्यूचुअल फंड, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बिकॉज डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मैं पर्सनली शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म तक ही मैक्सिमम करता हूँ। इसके अलावा अगर अच्छा पैसा बनाना है, सेफ्टी के साथ बनाना है, लॉन्ग टर्म में ही बनेगा वो, और वो प्रॉपरली बनेगा जहां से। बट एनीवे, अगर हम इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की अब बात कर लेते हैं, तो जैसे ही IPO लिस्ट होता है, तो वहां पर मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगी कि 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करूं और वहां पर प्रॉफिट बुक करूं। ये मेरा हो गया पहला काम। सेकंड सिनेरियो आ जाता है, मतलब सेकंड सिनेरियो नहीं, इसी के बीच में सेकंड स्टेप आ जाता है। जो भी मेरे पास रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है, उस 50% क्वांटिटी को मैं पहले एक घंटे के लो पर ट्रेल करूंगा,
और उसके बाद अगर उस पहले 1 घंटे के लोगों को तोड़ता है तो मैं वहां से एग्जिट ले जाऊंगा, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहां पर जाता है कहां नहीं जाता है, और उसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा आने वाले 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जब तक वो ट्रेलिंग लेवल हिट नहीं होता है। ऑब्वियसली हिट होगा बट कब होगा वो मार्केट को फिर से मालूम है, जिसके बारे में फिर से मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आईपीओ के बाद कोई भी स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है वहां पर हमारे पास लेवल्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्योंकि उस स्टॉक के लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उसको कुछ टाइम तक वहां पर चार्ट पैटर्न बनाने पड़ेंगे, और जब वो चार्ट पैटर्न बनेगा तभी हम वहां पर जाकर टेक्निकली उस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर दोनों पॉइंट समझ लग चुके होंगे, बट दोनों ही आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी जो मैंने सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव डिस्कस करी है। आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ मिला कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आगे तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम सिंपली मार्केट की बात करते हैं। देखो अगर हम इस वीक या पिछले 7-8 दिनों की बात करते हैं तो हमें मार्केट में कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला है। सिंपल सी चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं आपको ज्यादा डिटेल में समझ में लगेगा, मतलब कि जहां पर मार्केट एक नीचे की साइड 19,600 का राउंड ऑफ में मान लो, ऊपर की साइड राउंड ऑफ में मान लो 19,900, जो ये फ्लैट बेस का पैटर्न बना है बस इसी में फंस के रह चुका है और मार्केट ने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। अगर मैं पिछले 4 दिनों की बात करूं तो वहां पर तो इसने जस्ट 200 से भी कम की पॉइंट में पूरा का पूरा रेंज निकाल दिया था। अब ये हो चुका था, मार्केट फंस चुकी थी एक छोटी सी रेंज में। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी सी मूव देखने को ज्यादा मिली है, लेकिन वहां पर भी न्यूज आई थी नेगेटिव जिसकी वजह से हमें वहां पर इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, सबसे सिंपल स्टोरी बनती है अगर हम बात करते हैं जो ये रेंज बनी है अपर साइड को तोड़े या लोअर साइड को तोड़े, वहां पर हमारा इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए। जिस भी साइड को जो तोड़ता है तो वहां पर हमें 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। अगर यहाँ पर तोड़ा तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता है वैसे, बट यहाँ पर मैं ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वहां पर हमारे पास इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम कभी भी नहीं ले सकते हैं। वहां पर अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो उसकी चीजें की बात कर रहा हूँ तो वहां पर इतने ही स्टॉप लॉस के साथ इतनी बड़ी हमें मूवमेंट मिल सकती है, बट इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर अपर साइड कट होता है तो वहां पर ये हमारे पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाता है। अगर नीचे की साइड कट होता है शॉर्ट साइड तो वहां पर हमारे पास 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाता है। अब क्या ये हमें एक ही दिन में मिल जाएगा? ऑब्वियसली जहां पर ऑप्शन बाइंग की बात नहीं हो रही है एक दिन में कैसे मिल जाएगा, तो वहां पर एक वीक का अगर हम टाइम लेके चलते तो यहाँ पर एक वीक या 2 वीक हमें लग सकते हैं। बट एक पॉइंट को और ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब इलेक्शन शुरू हो चुकी है स्पेशली स्टेट्स की, और वहां पर इलेक्शन के भी रिजल्ट आएंगे तो वहां पर हमें मार्केट में अब वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, तो वहां पर हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग के ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्टेट के इलेक्शन से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हाँ, बट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव अगर हम 5 से 7 दिनों की बात करते हैं तो वहां पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट मेजर वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा हमें नेक्स्ट ईयर से जब हमारे पास सामने मेजर इलेक्शन खड़ी होगी और वहां पर हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। सिंपली हमें हमारे लेवल्स को ध्यान से देखना पड़ेगा और वहां पर प्रॉपरली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा अगर हम स्पेशली ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं या ऑप्शन सेलिंग में काम कर रहे हैं। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वहां पर हमें अच्छा खासा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिलता रहेगा, वहां पर हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। और ज्यादा कुछ इस वीक में डिस्कस करने को नहीं है, आप एक बार पिछले वीक की रिव्यू वीडियो को देख लीजिएगा, वही सिनेरियो अभी भी फिट बैठ रहा है क्योंकि मार्केट उस वहीं पर ही घूमता रहे जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट मंथली एक्सपायरी वाला वीक है तो हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो सकता है एक साइड की या हो सकता है दोनों साइड की, ज्यादा चांसेस है कि हमें दोनों साइड की मूव मिल जाए तो हमें उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एनीवे जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दी गई है।
जहां पर चीजें सिर्फ हमेशा हमारे प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखते हुए हमें चीजों को सीखने के लिए, वहां पर चार पैटर्न हमें क्या सिखा रहे हैं, अदर फैक्टर्स हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम सीखने की कोशिश करते हैं और वहां पर मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही मोटो होता है। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी एक्शन करना हो, कुछ भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।